हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगेन मैं आपके लिए एक और प्रोडक्ट वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो अगेन जो मेरा प्रोडक्ट है वो निविया का ही है, और ये है निविया का फेस वॉश। क्योंकि निविया के जो भी प्रोडक्ट है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना इसके फेस वॉश भी मैं आपको यूज करके बता दूं, जो कि न्यूली लॉन्च है। तो इसका तो इसमें चार वेरिएंट आए हैं, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए। आपकी जैसी स्किन होगी आप उस हिसाब से इसे परचेस कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे है फेस वॉश मिल्क डिलाइट्स फॉर सेंसिटिव स्किन। तो मैंने इस बार सेंसिटिव स्किन का मतलब कुछ अलग मैंने इसमें ट्राई किया है। वैसे मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है, बट मैं चाहती थी कि क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट पे, निविया के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन पे बहुत ज्यादा मुझे ट्रस्ट है, तो इसलिए मैंने कुछ और ट्राई करके देखा है कि अगर मैं कुछ और अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तो फिर क्या वो मेरे फेस को सूट करता है या नहीं। आगे मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि इसे आपको कैसे यूज करना है, और इसको यूज करने के बाद आपकी स्किन पे क्या फील होता है आपको, और कैसा सॉफ्ट ये देता है या नहीं। तो उसके पहले मैं छोटा सा रिव्यू आपके साथ इसका शेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसका यहाँ पे ट्रायल पैक लिया है, आप देख लीजिए, और मैंने इसका दूसरा पैक भी ले लिया है जो इसका बड़ा पैक है। तो आप समझ गए होंगे ऑब्वियसली कि ये मुझे कितना पसंद आया है। फिर भी देख लो, मैं आपको बताने वाली हूँ इसको यूज करके इसका डेमो की कैसा आपकी स्किन पे या अप्लाई होने के बाद ये कैसा वर्क करता है। जो भी प्रोडक्ट के ट्रायल पैक आते हैं ना, मुझे वो बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसके फायदे ये होते हैं कि ये बजट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, और अगर ये हमारी स्किन को सूट नहीं करता तो हमें पछताना भी नहीं पड़ता है कि ये हमारी स्किन को सूट नहीं कर रहा, हमने इतने पैसे वेस्ट कर दिए। जो ट्रायल पैक है वो 10 रुपए का पड़ता है, तो आप इसे इजिली परचेस कर सकते हो। आपकी स्किन को बहुत ही हेल्दी बनाता है और बहुत ही स्मूथ बनाता है, क्योंकि इसमें मिल्क भी है और रोज वाटर तो हमारी स्किन के लिए होता ही बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मेरे फेस को बहुत ही अच्छे से सूट कर गया था, तो इसके लिए मैंने दोबारा जो फेस वॉश इसका लिया है वो भी मैंने सेंसिटिव स्किन वाला ही लिया है, मिल्क डिलाइट सेंसिटिव स्किन वाला ही मैंने लिया है। तो अगर आपको नहीं सूट होता है तो आप ट्रायल पैक लेके चेक कर सकते हो, उसके बाद अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप कोई भी वेरिएंट चूज कर सकते हो। छोटू सा ये कुछ पैकेजिंग है इसकी, देखिए बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है। इसको सच में परचेस करने का मुझे इतना मन कर रहा था, क्योंकि ये इतना छोटू सा और ऐसी पैकेजिंग मैंने आज तक किसी भी फेस वॉश में नहीं देखा है। 85 रुपीज में ये आपको 50 ml मिल जाता है, और इसमें आपको 2 साल की सेल्फ लाइफ बहुत ही इजिली मिल जाती है। तो ये बजट फ्रेंडली भी है और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी भी मिलती है। निविया मिल्क डिलाइट्स, योर सेंसिटिव स्किन विल लव व्हाट्स इनसाइड, द गुडनेस ऑफ मिल्क प्रोटीन्स एंड कैरिंग रोज वाटर फ्री ऑफ सोप। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये सोप फ्री है। और चलिए, इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत लंबे हैं जो कि मैं आपको स्क्रीन पे लगा के दिखा दूंगी, और मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि इसमें तो फ्रेंड्स इसमें पैराबिन नहीं है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, वो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है। बट सब नहीं होता है, कोई भी एक गुड केमिकल होता है और एक बैड केमिकल होता है। तो जो गुड केमिकल होते हैं वो हमारी स्किन को सूट कर जाते हैं, और जो बैड केमिकल होता है उसे हमें चेक करना पड़ता है। चलिए अब इसका टेक्सचर देख लेते हैं और इसका फ्रेग्रेंस देख लेते हैं। तो फ्रेग्रेंस और टेक्सचर के लिए मैं ऑब्वियसली इसको यूज करूंगी, अभी ये खत्म नहीं हुआ है तो मैं दूसरे को क्यों वेस्ट करूँ। वैसे मैं आपको आगे वीडियो में इसका डेमो भी शेयर करने वाली हूँ, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कुछ व्हाइट और व्हाइट पिंकिश कलर में इसका जो टेक्सचर है वो है, पूरा व्हाइट भी नहीं है और पूरा पिंक भी नहीं है, दोनों मिक्स में है, दोनों मिक्स में इसका टेक्सचर है। और इसमें पिंक पिंक कलर की रोज वाटर के एक्सट्रैक्ट भी है, जो कि हमारी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है। और बात करें इसकी फ्रेग्रेंस की, तो फ्रेग्रेंस इसकी बिल्कुल जो विंटर क्रीम हम पॉन्ड्स की यूज करते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह ही इसकी जो फ्रेग्रेंस है, अगर आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए आप डेमो देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपको डेमो दिखा देती हूँ कि कैसे आपको इसके साथ फेस वॉश करना है और कैसी फीलिंग आती है जब आप इस फेस वॉश को यूज करते हो। तो मैंने यहाँ पे पाउच ही ले लिया है, तो अब सबसे पहले मैं इसको ही फिनिश करने वाली हूँ और उसके बाद में उसे यूज करूंगी। तो चलिए सबसे पहले फेस को गीला कर लेते हैं। आप चाहो तो रोज वाटर पे भी यूज कर सकते हो, चाहो तो रोज वाटर भी अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फेस को गीला कर लिया है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको खोल लेती हूँ पहले। इसका थोड़ा सा हमें प्रोडक्ट लेना है अपने हाथों पे, ये देखिए कुछ इतना मैंने लिया है। आप अपने फेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, आप इसका पिंक जो ये इसमें एक्सट्रैक्ट है वो आप देख सकते हो, इसका ये रोज वाटर की एक्सट्रैक्ट ही है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो अब हम इसके आप सबसे पहले ऐसे लगा लेंगे। हाँ, ये बिल्कुल भी फोम नहीं बनाता, और जो भी प्रोडक्ट्स आपके अपने फेस पे यूज करते हो ना, या फेस वॉश, अगर वो ज्यादा फोम नहीं बनाते हैं ना, तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। और इसमें मिल्क है तो थोड़ा सा ब्राइट भी आपको फील होगा अपनी स्किन के ऊपर। चलिए, मैंने तो फेस वॉश लगा लिया है, अब मैं फेस को वॉश कर लेती हूँ सबसे पहले, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ,
तो अब हम इसे टैप करते हुए थोड़ा पोंछ लेंगे। अब देख सकते हो इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस आया है मेरी स्किन पे इसको यूज करने के बाद। हमारे स्टिक हो जाते हैं, धूल मिट्टी जो हमारे फेस पे आके स्टिक हो जाते हैं, ये बहुत ही अच्छे से उसे निकाल देता है। बहुत ही अच्छा वर्क किया है और बहुत ही सॉफ्ट भी फील हो रहा है, बहुत ही जैसे कि इसे बोलते हैं मिल्क है इसमें, और स्मूथ सॉफ्ट आपको फीलिंग आती है। तो ओवरऑल इस प्रोडक्ट के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है निविया का। अगेन ये जो फेस वॉश है मुझे बहुत पसंद आया है, तो अति अच्छा फेस वॉश है, आप बेझिझक इसे यूज कर सकते हो। अगर आपके फेस को सूट नहीं करता है तो आप ट्रायल पैक लेके चेक करो, उसके बाद अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। वैसे ये बजट फ्रेंडली है, ट्रेवल फ्रेंडली है, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, ज्यादा हार्मफुल भी नहीं, इनको बहुत ही अच्छे से स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट सफल बनाता है और थोड़ा सा ब्राइटनेस भी आपकी स्किन पे ये प्रोवाइड करता है। और सबसे अच्छी बात जो हमारी फेस वॉश पे हम चाहते हैं फेस वॉश की होती है, जो सबसे मेन काम होता है जो फेस वॉश का, बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन भी करता है। ये तो था मेरा आज का रिव्यू वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।